रादौर के यमुना नदी के नगली घाट पर करोड़ों की राशि से बनने वाले दो प्रदेशों की सीमाओं को जोड़ने वाले ओवरब्रिज का काम लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसे लेकर क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है। रोष स्वरूप किसानों ने आज मुख्यमंत्री के नाम SDM रादौर अमित कुमार को ज्ञापन सौंप निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाए जाने की मांग की। वहीं किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर 28 मई तक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो क्षेत्र के किसान प्रशासन के खिलाफ बड़ा निर्णय लेंगे। तो नया पुल प्रस्तावित है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काम बंद हो गया बिल्कुल। इसके बारे में हमने ज्ञापन दिया था 20 नवंबर 2022 को DSP रादौर को, और उसके बाद 21 नवंबर को हमारी DC साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें DC साहब ने हमारे को जो है एक आश्वासन दिया था कि रादौर SDM की एक कमेटी बना दी गई, जिसमें रादौर जो SDM है उसके चेयरमैन है, वो इस मामले के बारे में सारे काम को देखेंगे, भी पुल के लेट होने का क्या कारण है। उसके बाद हमारा लगातार संपर्क है SDM साहब से, और जो PWD विभाग इसके काम को देख रहा है उससे भी, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया, आज तक संतुष्ट नहीं किया। पहले तो पुल का काम कुछ स्लो चल भी रहा था, अब तो बिल्कुल बंद कर दिया, और अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जितने रेवेन्यू के रास्ते हैं वो सारे माइनिंग वालों ने खोद दिए। सीधा संपर्क कोई है नहीं, जो लोग अपने खेतों में सीधा जाके खेती कर सकें। एकमात्र सिर्फ जो निर्माणाधीन पुल है, यही एक विकल्प है, और इसी से आस है जो ये पुल चालू हो जाए तो इसके 5-7 जो गांव हैं इन लोगों को एक राहत मिलेगी और ये अपने खेतों में आ जा सकेंगे। वो एक हमारी बिजली की लाइन है जो इन गाँव में जाती है इरीगेशन के लिए, जिससे हम अपना फायदा अपना काम करते हैं, तो वो टेम्परेरी तौर पर खड़ी है यमुना के बीच में, और वो भी पुल के साथ एक बॉक्स बनेगा, उसमें से गुजरनी थी, लेकिन वो पुल अधूरा होने के कारण और वो बॉक्स ना बनने के कारण बिजली विभाग भी जो है उससे उस काम से वंचित है, वो उसको काम को कर नहीं पा रहा। तो हमारी यही मांग है भाई, उसको तुरंत पूरा किया जाए ताकि वो बिजली की जो सप्लाई हो पुल में जा सके और गिरने का डर खत्म हो और किसान अपनी खेती किसानी ठीक तरीके से कर सके। हमारी ये मांग, अगर ये सरकार नहीं जल्दी करती तो 28 तारीख के बाद ये सारे क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे जो सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा। संधाड़ा के कुछ ग्रामीण अभी ऑफिस में आए थे, जिनका मैटर था कि जैसा कि आप सबको पता है यमुना के ऊपर PWD विभाग एक पुल बना रहा है, तो उस संबंध में ये सभी ग्रामीण यहाँ ऑफिस में आए थे। क्या समस्या बताई सर इन्होंने? इनकी यही समस्या थी कि उस पुल का काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए, और उनकी जैसे बारिश का सीजन आने वाला है तो उसे पूरा करवाया जाए, और उनकी जो बिजली से संबंधित समस्या है तो सभी इस पुल से जुड़ी हैं, तो इसी संबंधित ग्रामवासी मिले थे। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इस मैटर में जो भी संबंधित विभाग है, जैसे PWD है, USBBN है, तो उन सभी के अधिकारियों से जल्द कल या परसों में ही मीटिंग की जाएगी, और जो भी ये मैटर हमारे सबडिवीजन लेवल का होगा तो यहाँ सुलझाया जाएगा, और आगे का होगा तो हम आगे जो भी हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे सहयोग करके फॉलो अप करेंगे।